मैं कई बार पॉलिटिकल पार्टी के जब डिबेट होती है मैं उनको कहता हूं, जवानों की शहादत होती है, घर में अभी बॉडी नहीं आती है, मां पत्नी बच्चे पिता इंतजार करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से लथपथ बॉडी कब आएगी, हमारा पति हमारा बेटा हमारा पिता तो चला गया, कब देखेंगे वो। पर हम राजनीति कई लोग डिबेट पे चले जाते हैं, डिबेट पे अगर जाकर के बड़े बड़े चैनलों के अंदर ईमानदारी से बातें करें, राष्ट्र की बातें करें, एक दूसरे से झगड़ा ना करें, तो मैं समझूंगा वो सच्ची श्रद्धांजलि है। फिर हम लग जाते हैं, तेरे टाइम पे 26/11, तेरे टाइम पे पठानकोट, तेरे टाइम पे दीनानगर, तेरे टाइम पे जयपुर के अंदर एक दिन के 120 लोग मारे गए, तेरे टाइम पे पार्लियामेंट, तेरे टाइम पे कारगिल। मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूं, अगर तो मेरे भैया इन जवानों के पक्षे पकड़ के जब कड़क सर्दी के अंदर, कड़क सर्दी जब जवान समाधि ले लेते बर्फों के अंदर, अगर उनका बैग पकड़ के सहारा देके चले हो तो यहां बैस करो, नहीं तो जहां मैं उठ के जाता हूं जहां आप चोरी करेगा। मजाक मतलब हमने समर्थन दे दिया, हमें ऐसे समर्थन की जरूरत नहीं है। हमें समर्थन की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर उन शहीदों को याद करके हर पॉलिटिकल पार्टी हाथ खड़ा करे कि यहां अब हिंदुस्तान का हर नागरिक का कश्मीर के अंदर हक है, नहीं तो इस ऑल पार्टी मीटिंग का कोई हक है। चाय का कप लिया और वापस आ गए और बड़ी बड़ी न्यूज अखबारों में आ गई। ऐसा नहीं चलेगा, जो काम होना है वो दिल से होना चाहिए, दिखावा नहीं। बहुत हो चुका, हमारे पास अभी वक्त है और वो वक्त ज्यादा हम इंतजार ना करें। और ये जो आपने यहां से एक मूवमेंट शुरू की है, एक क्रांति शुरू की है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पुष्पिंदर जी आपके साथ खड़े हैं, महारानी साहबा आपके साथ खड़े हैं, इसको गैर राजनीतिक रहने दें, इसको राजनीति रंग ना दिया जाए और निकले पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर, हिंदुस्तान की आवाम की आवाज आए और रामलीला ग्राउंड के अंदर तिरंगे झंडे हो, वंदे मातरम भारत माता की जय हो, वही बैठ जाए। हम उठेंगे नहीं जितनी देर तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता। वक्त आएंगे, वक्त चले जाएंगे, कल नया वक्त आएगा, पर ये कश्मीर का मसला हर हालत में हमें खत्म करना होगा। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा रहेगा। सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तू मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीबी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है। मत करना धमाके की बात, भारत का आज एक हर पत्थर परवानू है।